मुल्तान का रहने वाला हूँ और कराची में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। 10 साल की उम्र में मैं घर से भागा था, वाले साहब ने बस नाराज़ हुए थे, मुझे मारा था। बस पे बैठ के मैं लाहौर गया था, लाहौर से फिर मैं यानी कि जैसे इंसान लेके जाते हैं काम काज के लिए, तो जानवरों के लिए ये वगैरह, मैं उसके लिए काम के लिए मैं चला गया। बस यहीं पे उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। मैं तकरीबन 6 साल नहीं आया घर पीछे। उन्होंने जब अगवा कर लिया, वहाँ पे और लोग भी थे मेरे अलावा जो उनके पास कब्जे में थे, बिल्कुल बांधा हुआ था, नहीं कहीं आ सकता था ना कहीं जा सकता था। उनके आदमी हमारे ऊपर ले असला लेके खड़े रहते थे, ना कहीं आ सकते थे ना कुछ, ना कहा ना वो खाना टाइम पे देते थे, ना सोने का टाइम देते थे, किसी चीज़ का भी यानी कि कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। बस वो ही अपना यकदम जैसे जेल का सिस्टम होता है ना, वैसे सिस्टम था। उसके बीच में मेरे साथ एक और साथी मिक्स हो गया था, उसी दौरान फिर हमने एक दूसरे साथी को साथ लिया, तो उन्होंने कहा, हमारा 3 बंदों का ग्रुप बन गया। हमने कहा यार हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। इमरान ने कहा कि जब उसने वहाँ से भागने का प्लान बनाया तो उसके साथ साथ उसके साथियों ने भी वहाँ से कुछ कीमती सामान उठाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर कुछ गन्स, कपड़े और थोड़े पैसे मौजूद थे, मगर ये सब चुराते हुए वो सब पकड़े गए और उन्हें बहुत बुरी सजाएं दी। फिर उन्होंने हमें यानी कि 6 महीने और हमने आगे गुजारने शुरू कर दिए। फिर उनका यानी कि हमने भरोसा जीतना शुरू कर दिया, तो लेकिन वो बात फिर वो ख़त्म होगी। आगे फिर हमने सिलसिला किया, वो 2 लड़के जो हमारे साथ थे वो भी बेचारे डर चुके थे भी हम कैसे भागेंगे। फिर हमने 2-3 और बंदे अपने साथ ग्रुप में शामिल कर लिए, भाई चलो यहीं से भाग चलते हैं। उस वक्त मुझे हो गए थे तकरीबन 7 साल हो चुके थे। हमने जब भागने की कोशिश की, उस वक्त रात के तकरीबन 12-1 का टाइम था जब हम लोग भागे थे। हमारा इतना सफ़र था भागने का, यानी कि सड़क से इतना दूर थे मोटरवे से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर था। हम लोग भागते 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 हमारा पाँव पे छाले चलने से हम रह चुके थे, खाना ना पीना ना कुछ ना कान, भूखे प्यासे हम लोग भागते रहे। जब हम लोग सुबह को 6 बजे इतना अपना मोटरवे पे जाके पहुँचे, वहाँ पे हमें एक बस मिली, उस पर हम बैठे, उसने हमें लाहौर आके उतारा। जो बंदा हमारे साथ भागने वाला था वो जा नहीं सका, वो डर की वजह से वहीं पे रुक गया। तो वो कह रहा है भी मैं मरना नहीं चाहता, मैं जो ज़िंदगी के दिन है मैं यहीं पर गुजारूँगा, आगे मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरे पास पैसे हैं कुछ और ये मेरे कपड़े हैं तुम लेके। तो हम लोग फरार हो गए। हम लोग जब अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे, फिर हम लाहौर पहुँचे, लाहौर हमने वहाँ पर नहाया धोया, हम बस स्टॉप पे गए, वहीं से हमने टिकटें ली, तो हम लोग मुल्तान पहुँच गए। एक लड़का जो मेरे साथ था वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर जा रहा था। उस वक्त यानी कि मैं अपना घर भी मुझे याद था भाई ये घर मेरा यहाँ पे है, मुझे यहाँ जाना है। तो बस मैं अपने घर गया, मेरे घर में उस वक्त कोई बंदा भी नहीं था। मैं अपने आस पड़ोस में पूछा, मैंने बोला मेरी वालदा वाले मेरे भाई बहन कहाँ गए, किसी ने बताया वो यहाँ पे नहीं रहते, वो कराची गए हुए हैं। मुझे कराची का पता नहीं था भाई कराची के कौन से इलाके है कहाँ पे है। एक दोस्त था मिला बचपन का था, वो उसने मुझे मेरी खाला के यहाँ छोड़ा, वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे कॉल की, मेरी वालदा गई, मेरा भाई गया, ये मुझे लेके कराची आए। तो कराची में मैं तकरीबन 2 साल गुजारे। उसके बाद अब मैं जो है ना गार्ड की जॉब करता हूँ यहाँ पे कराची के अंदर। इमरान की कहानी के बाद और न जाने कितने लोग हैं जिनकी कहानी हमें पता भी नहीं है। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी नाखुश हैं।